वहीं एक और खबर है मध्य प्रदेश के देवास जिले की, जहां पर घंटों भर जाम की समस्या से जूझना पड़ता है स्थानीय लोगों को। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने बताया है कि जाम की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं अधिकारी। आपको बता दें, चढ़ाई होने की वजह से वहां पर आए दिन बाहरी वाहन जाते हैं जो कि खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर घंटों भर जाम लगा रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि जाम की समस्या से जल्द निजात दिलाई जाए। मध्य प्रदेश के देवास जिले से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। सर, एक घाट पे जाम लग रहा था, इसका मुख्य कारण क्या और कितने घंटे जाम लगा? इसका मुख्य कारण ये है कि घाट में 10 मीटर का लगभग टर्न है जी, वो सीधी चढ़ाई है, तो वहाँ पर क्या ट्रक वगैरह जाते हैं तो वो उनका पिकअप वगैरह नहीं बन पाता, तो वहाँ पे वो या तो खड़े हो जाते हैं, कोई खराबी आ जाती है। वो कल क्या बात है, ट्रक है इसमें क्या बोलते हैं वो राकड़ भरी हुई है, तो वो चढ़ नहीं पाया था, उसके कुछ काम वाम आ गया था क्लच वगैरह में, तब से ही जाम चला आ रहा है। कितने घंटे जाम लगा था? तकरीबन 24 घंटे हो गए कल से जाम चल रहा है, कल 12 बजे से जी। मतलब घाट को लेकर पुलिस विभाग द्वारा कोई ऊपर से भी अधिकारी द्वारा कोई पॉइंट दिया गया आपको या नहीं दिया? अधिकारी निर्देश दिए गए थे कि लगातार ही जो एम्बुलेंस है, जो छोटे मोटे वाहन है, फैमिली वाहन है, बसें, इन्हें नियंत्रण बिल्कुल जाने दिया जाए। हमने वही करा, बाकी जो बड़े वाहन थे उन्हें हमने कन्नौज में डाइवर्ट करवाया, चापड़ा में डाइवर्ट करवाया, ताकि फैमिली और बच्चों को प्रॉब्लम ना, एम्बुलेंस बाकायदा जाए। वहीं एक और खबर है उत्तर प्रदेश के जालौन से, जहां पर सट्टा माफियाओं ने एक व्यक्ति को घर से निकालकर बेरहमी से जमकर पीटा। आपको बता दें, स्थानीय लोग बताते हैं कि सट्टा माफिया आए दिन क्राइम की घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक बार फिर दिखा सट्टा माफियाओं का कहर। बताया जा रहा है कि सट्टा माफियाओं ने एक व्यक्ति को घर से निकालकर बीच सड़क पर बेरहमी से लहूलुहान कर दिया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि आए दिन सट्टा माफिया है जो कि कस्बे में क्राइम की घटनाएं करते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित होते हुए दिखाई दे रही है। जालौन से विष्णु पांडे की रिपोर्ट। वहीं एक और खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर दिव्यांग युवक से महिला को बदसलूकी करना पड़ा महंगा। आपको बता दें, दिव्यांग के परिजनों ने महिला की जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला ने दिव्यांग युवक से बदसलूकी की थी, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने महिला की जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। विकलांग व्यक्ति है, उसके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी कर रही थी, तो जो विकलांग व्यक्ति उसके भाइयों के द्वारा उस महिला से उसका विरोध जताया गया, साथ साथ मारपीट भी की जा रही थी। तो जो वीडियो प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से जो महिला की तरफ से एक NCR दर्ज की गई है, और जो प्रतिवादी पक्ष है उसका 151 CRPC के अंतर्गत चालान भी किया गया है।